बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार फिर से कूचबिहार जिले में कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राहत वाली खबर ये रही कि अभी तक 66 मरीज पुनः संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। पुनः संक्रमण के नए मामलों के सामने आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या कूचबिहार जिले में बढ़कर 1,144 हो गई है। वहीं अभी तक 907 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस दिन संक्रमित होने वाले मरीज में 14 कूचबिहार सदर के, 11 दिनहाटा के, 6 मेकलीगंज के, 3 माथा भांगा के रहने वाले हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन किया गया था। इसकी अवधि आज समाप्त हुई। वहीं कूचबिहार में कल से कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, इसकी जानकारी हम लेंगे हमारे प्रतिनिधि किंगशुक दत्ता से, जो कि हमें इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। किंगशुक दत्ता हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं से। हेलो किंगशुक। हाँ किंगशुक, आज से तो लॉकडाउन की जो अवधि है वो समाप्त हुई, तो कल से क्या खबर है आपके पास? कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, सुबह कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेंगी, आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए बात ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पहले ही लॉकडाउन की जो डेट है वो बता चुकी थी कि पूरे स्टेट में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेंगे। इस हफ्ते का 5 और 8 तारीख था और इसी हिसाब से आज इस हफ्ते का लॉकडाउन खत्म है। इसके बाद 16 और 17 को लॉकडाउन है, 23rd, 24th and 31st अगर इस दिन लॉकडाउन के सिवा है। जो लोकल लॉकडाउन किया गया था यानी कि कूचबिहार जिला की तरफ से, कूचबिहार पूरे जिला में कूचबिहार प्रशासन की तरफ से जो लॉकडाउन की गई थी 6 और 7 को, वो लॉकडाउन खत्म हो चुका है। उसके बावजूद जो कंटेनमेंट जोन थी कूचबिहार सदर की जो 20 वार्ड है उसमें कंटेनमेंट जोन किया गया था, उसकी भी डेट है वो हो चुकी है। यानी कंटेनमेंट जो जोन की एक शेड्यूल डेट रहता है 7 दिन 10 दिन, उसकी भी कम्प्लीकेशन हो गई, उसकी भी कंप्लीट हो गई। तो कल से जो है लॉकडाउन कूचबिहार जिला में नहीं है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है या कंटेनमेंट जोन से बाहर भी अगर किसी भी मरीज को या किसी भी घर में किसी को भी कोविड पॉजिटिव होता है तो सिचुएशन के हिसाब से उसके घर को या उसके घर के आजू बाजू 1-2 घर को बफर जोन करके उसमें कंटेनमेंट जोन किया जाएगा, ऐसा सूत्र के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को पता चला है। जिला प्रशासन ने ये भी जताया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो उस जगह उस घर को कंटेनमेंट जोन किया जाएगा। यानी कि अगर किसी की वार्ड में किसी की घर में कोविड होता है तो पूरे इलाके को कंटेनमेंट नहीं किया जाएगा, उसके घर या उसके 1-2 घर को आजू बाजू को कंटेनमेंट जोन के हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को पता चला है। और कल से सभी दुकानें जो भी खुलेंगी वो सुबह से शाम की 5 बजे तक खुली रहेगी। और जिला प्रशासन की तरफ से ये भी बताया गया है कि बिना मास्क के किसी को भी देखने से या बिना मास्क के कोई भी, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, चाहे वो टोटो चलाते हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हो या चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, जो भी दुकान के अंदर रहेंगे, दुकान की जो कर्मचारी है उनको भी और जो ग्राहक है जो खरीदने जाएंगे उनको भी बिना मास्क में अगर किसी को भी प्रशासन की तरफ से देखा गया तो उसके ऊपर सख्ती से पेश आएंगे, ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है। फिलहाल कोविड के जो बढ़ते हुए जो मामले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि बिना मास्क के अगर किसी को भी देखने को मिले तो उसके ऊपर सख्ती से पेश आएंगे, फाइन भी हो सकता है या उसके हिरासत में भी ले सकते हैं। अभी तक फिलहाल फाइन लेंगे या हिरासत में लेंगे इसके बारे में ज्यादा पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन की जो डेट है वो समाप्त है और जिला प्रशासन की तरफ से जो लॉकडाउन था वो भी कंप्लीट है। यानी कि कल से दोबारा धीरे धीरे खुलने लगेगी कूचबिहार की सब, जबकि कल से 5 बजे तक सब कुछ दुकान खुली रहेगी। और एक बात बताना चाहूंगा कि 31 तारीख तक पूरे स्टेट का जो ऑर्डर है, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको ये बताया जा रहा है कि 31 अगस्त तक कोई भी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और किसी तरह की भी जो गैदरिंग होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो,
चाहे वो किसी भी पूजा या अनुष्ठान की गैदरिंग हो, इसको नहीं किया देने जाएगा, इसको बंद करके रखा है। और ये ऑर्डर आ चुका है कि 31 अगस्त तक किसी भी तरह कोई भी इसको खोलने में, मतलब ये खोल नहीं पाएंगे। और 5 अगस्त के बाद से अगर कोई योगा सेंटर है तो वो शास्त्र विधि के अनुसार अगर उन लोग कुछ करेंगे तो 5 अगस्त के बाद से इसको खुलने की परमिशन दी गई है राज्य प्रशासन की तरफ से। किंगशुक, हमने कल ही देखा कि कल जो कुचबिहार के जो लोकल व्यापारी थे वो कल जिला प्रशासन के सामने गए थे उनसे अनुरोध करने के लिए कि कुचबिहार के जो दुकान पाट है वो खुलने दिया जाए। तो क्या जो लोकल प्रशासन है वो क्या फिर से लॉकडाउन करेगी या अब लॉकडाउन नहीं होगा? ये तो कोविड के जो बढ़ते हुए मामले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से आज जो बताया गया है कि कल से लॉकडाउन को इंट्रो किया है, यानी कि लॉकडाउन का डेट पहले ही था 6-7-8 तारीख तो स्टेट का लॉकडाउन था, तो आज तक ही लॉकडाउन था, कल से कोई भी लॉकडाउन लागू नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि शाम को 5 बजे की बाद से सब बंद हो जाएंगे। तो जो शाम को 5 बजे तक जो भी दुकानें हैं वो सुबह से खुला रहेगी। और दिनहाटा SDPO से जो हमारा बात हुआ तो वहीं पे भी सेम चीज है कि शाम के 5 बजे तक सभी खुले रहेंगे। और लेकिन जो बिना माप के अगर किसी को भी देखा तो सख्ती से पेश आएंगे। और जो जैसे सख्ती वगैरह होता है वो जैसे था सुबह 12 बजे तक खुला था उसको भी पूरा दिन खुलने की, मतलब 5 बजे तक वो भी खुला रहेगा। इससे एक चीज तो अच्छा है कि अगर 2-3 घंटे के लिए दुकानें खुलती है, 2-3 घंटे के लिए बाजार खुलती है तो उसमें इतनी भीड़ होती है कि वहां पे सोशल डिस्टेंस की बात किसी के ध्यान में नहीं रहती है और वहां पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी नहीं हो सकता है। तो अगर पूरा दिन खुला रहेगा तो कम से कम ऐसा लग रहा है अभी जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, उन लोग बता रहे हैं कि अगर पूरा दिन खुला रहेगा तो जो सोशल डिस्टेंस है वो भी मेंटेन होगा और सभी मास्क पहने रहेंगे तो भीड़ थोड़ा कम होगा। और इससे जो भी संक्रमित होता है, अगर किसी को पॉजिटिव है उसको पता नहीं है तो उससे दूसरे के पॉजिटिव होने की चांसेस भी कम हो जाएगी। तो इस पूरे विषय को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से फिलहाल ये डिसीजन लिया गया। अभी आगे जैसे जैसे कोविड सिचुएशन जैसे होगा उसी हिसाब से जिला प्रशासन डिसीजन लेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर थी जिला की या देश की या स्टेट की वो एकदम गिर चुका है। इसी वजह से अभी कोई नहीं चाह रहा है कि लॉकडाउन और बढ़े और लॉकडाउन हो। तो ये जो खुलने की प्रोसेस है, लॉकडाउन अनलॉक 3 चल रहा है पूरा देश में, वहीं पे जाके ये अभी लॉकडाउन खुलने की कोशिश भी हमारे जिला में हो रहा है और ताकि हम लोग दोबारा अपनी जो स्वाभाविक जिंदगी उसमें जी सके। पुणे, शुक्रिया किंगशुक हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आप सुन रहे थे किंगशुक दत्ता ने पूरी जानकारी दी आपको इस लॉकडाउन से, जो जानकारी थी पूरी जानकारी आपको दी। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ।